हमारे देश में जब भी खेल की बात हो तो सबसे पहले क्रिकेट का ही नाम लिया जाता है, जबकि इसके अलावा भी कई खेल हैं जिसमें रुचि लेकर न केवल अपना करियर बल्कि खेल की मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं प्रभात कोहली से, जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, एशिया के नज़दीक अधिकतर समुद्र और समुद्र की तूफानों को पार किया है। फिर केंद्र सरकार ने उनके इस कार्यों को खूब सराहा है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों राष्ट्रीय खेल के दिन तेजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इस तरह की कई प्रख्याति प्रभात कोहली ने अपने नाम कर ली है। उनका कहना है कि मुंबई जैसे शहर एक तैराक के लिए सुविधा की कमी ही नहीं बल्कि कोई सुविधा ही नहीं है। समुद्र तैराक बनने के लिए उस तरह का समुद्र भी होना चाहिए जो समुद्र मुंबई ही नहीं पूरे भारत में नहीं है। फिर भी प्रभात ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए और अवार्ड ले आए, पर वह सुख सुविधा नहीं मिली जो अन्य खेलों में खिलाड़ियों को मिलती है। पिता ने घर बार बेच दिया ताकि उससे बेटा सिर्फ उनका ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सके। प्रभात कोहली ने खुलकर बात की, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। सुनिए और क्या कुछ कहना है प्रभात कोहली का। पहला तो मेरा जो टारगेट है ओपन ओशन 7 का जो टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है, एंड देन फिर उसके बाद 2012 में ओलंपिक से 10 किलोमीटर से रेसेस इंक्लूड किए गए हैं। सो इन फ्यूचर मतलब मैं मेरा वो प्लानिंग है कि मैं उसमें भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं, और कुछ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की सोच रहा हूँ। किस तरह की आपने शुरुआत की, स्विमिंग ही आपको अपने करियर में अपना बढ़ना है, किस तरह की शुरुआत की, थोड़ा कुछ आप बताइए आपके करियर में। बेसिकली मैं एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे एंसेस्टर इवन मेरे फादर भी फिशरमैन ही थे, बट देन उनका जॉब, बट मैं मुझे पानी से बहुत मतलब क्या बोलते हो अफेक्शन था, लव था, लगाव था। सो मुझे स्विमिंग सीखने के लिए हम लोग ने स्विमिंग मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया था, बट फिर हम लोग मतलब मुझे उसमें एडवा मतलब इंटरेस्ट आने लगा। मेरे सर ने भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट किया। सो फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल स्विमिंग में हम लोग ने एंट्री किया, एडवांस लेवल स्विमिंग में, और वैसे ही करते करते फिर हम लोग स्टेट लेवल तक मैं कॉम्पिटिटिव लेवल में पहुंचा, और वही करते फिर हम लोग ने ओपन वाटर स्विमिंग में हम लोग ने इसमें चालू किया, और इंडियन वाटर्स में हम लोग ने कुछ इवेंट्स भी किए। साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस मुझे सारे जितने भी मेरे स्विमिंग के एक्सपीडिशन थे उनसे बहुत अलग लगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का वाटर अटलांटिक वाटर है और वो बहुत बोल सकते रॉ है, मतलब हम लोग के इतना नेचुरल है कि इतना क्लियर है और बहुत डार्क है। सो उससे मतलब स्विमिंग करते करते हम लोग को थोड़ा सा अंदर से डर भी लगता है नॉर्मल वाटर्स में से, बट उसमें कैसा है कि हमेशा कोई ना कोई तो मरीन लाइफ हम लोग के अंडर स्विम करते हुए दिखता है, जैसे कोई सनफिश हो या फिर कोई सील हो। मेरे साथ एक सील स्विमिंग कर रहा था तकरीबन 20 मिनट के लिए, सो वैसे मतलब अलग एक्सपीरियंस था, बट उधर का मतलब उधर का सीनिक ब्यूटी अलग है, उनका उसका कोई जवाब नहीं है। और उधर कुछ इवेंट्स थे जैसे लाल डुडनो कैंप्स हुए और केप पॉइंट स्विम, ये दो स्विम मेरे सबसे फेवरेट है जो साउथ अफ्रीका के स्विम्स में से, क्योंकि उनका जो ब्यूटी था, जो टफनेस था, जो क्या बोल सकते हम लोग चैलेंज थे वो सबसे अलग थे। केप पॉइंट स्विम तो केप पॉइंट आपको पता ही होगा, केप फॉर गुड होप नाम तो सुना होगा आपने, तो वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लास्ट टिप है। सो वो टिप को हमने राउंड जब मारा तो एक साइड पे इंडियन ओशन था, एक साइड पे अटलांटिक ओशन था, वो प्लेस जो है वो ग्रेट व्हाइट शार्क का ब्रीडिंग प्लेस है, और हम लोग को समझ में आ रहा था कि भाई डीप में शार्क्स रहेंगे, सो बट लेकिन हम सारे प्रिकॉशंस लेके हम सब स्विमिंग कर रहे थे, एंड मेरे साथ और भी स्विमर्स थे। एक रेस था, वो एक चैरिटी रेस था वो स्विम फॉर कैंसर करके, सो वो एक रेस में मतलब मैं सेकंड भी आया था, और अलग एक्सपीरियंस था वो।
बहुत चौपी था वाटर, मतलब एंट्री करते समय हम लोग बीच से जब स्टार्ट किए एंट्री करते समय कुछ लोगों की कैप गॉगल्स वेव्स की वजह से निकल गए थे, ऐसे मतलब अलग एक्सपीरियंस था। और जो मैंने उधर एक नया रूट किया था ग्लोबक टू रॉबिन आइलैंड, रॉबिन आइलैंड टू मेलगोस, 18 किलोमीटर का वो एक इवेंट था जो जो मैंने मतलब मैं फर्स्ट वन था इन्वेंट करने के लिए। वो एक अलग एक्सपीरियंस है। रॉबिन आइलैंड जैसे आप लोगों को सबको पता ही है, नेल्सन मंडेला जी वहाँ पे प्रिजन हुए थे, वो उसका जो वो जो इवेंट था वो अलग अलग सीनिक ब्यूटी था। उधर पेंगुइन्स थे, जैसे जैसे मैं आइलैंड के नज़दीक जा रहा था वाइल्डनेस और बढ़ती जा रही थी, पेंगुइन्स थे, सी लायंस थे। फिर मैंने जब अराउंड रॉबिन आइलैंड स्विम किया तो मुझे लकीली मैं जब स्विमिंग कंप्लीट किया मुझे वो स्विम में चारों वेदर्स दिख गए एक ही स्विम में। एक 3 घंटे का मेरा कुछ स्विम था, वो पूरे स्विम में मुझे चारों वेदर्स दिख गया, रेनी सीजन भी दिख गया, विंडी भी दिख गया, फिर उसके बाद सनी भी दिख गया और थोड़ा बहुत ऑटम भी दिख गया। सो चारों वेदर दिख गए। और जैसे ही मैंने फिनिश किया, तकरीबन हम लोग से 200 मीटर दूर हम लोग के बोट में से मैंने फिनिश करके मैं जब बोट पर चढ़ा, सब कैमरा वैमरा क्योंकि पानी उठ रहा था, पानी बारिश भी हो रहा था, कैमरा हम लोग ने अंदर सिक्योर कर दिए थे। उसके बाद 200 तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हम लोग ने व्हेल्स के हमबैक व्हेल्स थे वो फ्लैप कर रहे थे, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, मतलब शायद ही मुझे वापस मतलब देखने मिलता था। फैमिली में मुझे मतलब बोल नहीं सकता, मैं बहुत मतलब स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट था, बचपन से मुझे कभी उन्होंने बोला नहीं ना मतलब स्विमिंग के लिए मत जाओ, पढ़ाई पे मतलब इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, उन्होंने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया था बचपन से ही। और जैसे जैसे हम लोग स्विमिंग करते गए, हम लोग के इवेंट्स हम लोग ने प्लान करते गए, वैसे वैसे मेरे डैड ने फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी किया, वैसे ही मेरे मॉम ने मेरा डाइट और बाकी का जो रहता है घर का हाउस होल्ड वो भी मेरे मॉम ने देखा। वैसे फिर हम लोग ने प्लानिंग किया कि हम लोग वो एक वो फील्ड में नए थे, सो हम लोग ने कुछ गाइडेंस लिए जो पहले के पास स्विमर्स थे, और हम लोग के जो कोचेस थे उनसे हम लोग ने बैठ के डिस्कस करते थे। नो डाउट मेरे मॉम डैड का मेरे कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है मेरे अचीवमेंट्स के लिए, मेरे ये सक्सेस के लिए। गवर्नमेंट हम लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले भी 2 साल से कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला, बट इन फ्यूचर ज़रूर मिलने की आशा है। हम लोग को गवर्नमेंट का भी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट का भी मुझे इसी साल मुझे अवार्ड मिला है, शिव छत्रपति अपना मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो, शिव छत्रपति अवार्ड वो मिला है मुझे फॉर ओपन वाटर स्विमिंग। तो आपको कैसा लगता है कि अगर हम हिंदुस्तान का एक टाइप जो आगे ले रहे हैं, जिसके सामने एक ये बना रही इमेज बना रही हिंदुस्तान का, तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार व्हाटएवर जो भी है वो आगे आगे आपको मदद करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए क्या, ये पहल होनी चाहिए सब कुछ? ज़रूर, ये कैसा स्पोर्ट्स नया है, सो थोड़े क्या बोल सकते हम लोग सोर्सेस थोड़े नए होंगे, सो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी को भी होगा। सो हमारा प्लानिंग ऐसा है कि इन फ्यूचर अभी हम लोग तो फेस जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर किसी नॉलेज का प्रॉब्लम हो, किसी इवेंट के बारे में उनको जानकारी चाहिए इन फ्यूचर में, तो वैसे हम लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं, उससे ज़रूर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब हम लोग एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार करके रख सकते कि आप हमें मदद करो। फिर इन फ्यूचर जो भी ओपन वाटर स्विमर्स रहेंगे हम उन्हें ज़रूर अच्छे मतलब प्रॉब्लम्स जो मुझे हुए वो उन्हें फेस ना करना पड़े, और फिर अच्छे हम लोग इंडिया के फ्लैग को हम लोग अच्छे ये फील्ड में भी अच्छे लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आपको हमारे माध्यम से महाराष्ट्र सरकार या पीएम तक बात पहुँचानी तो क्या मैसेज देंगे जो आपके हार्ट पे जो खटकता हो? मुझे ऐसा बोलना है कि अभी जो नए न्यू कमर्स है स्पोर्ट्स को, कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कोई भी फील्ड का हो, फिर वो रनर ही क्यों ना हो, एथलेट क्यों ना हो, स्विमर क्यों ना हो, या फिर फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, उनको जो बेसिक लेवल है जो नया न्यू कमर रहेगा तभी से सपोर्ट करना चालू करना चाहिए, बिकॉज तभी से अगर सपोर्ट करेंगे तो उनका मोरल बूस्ट होगा और वो लोग फिर देश के लिए कुछ अच्छा करने की चाह रखेंगे और उसके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर
मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनको बेसिक लेवल से ही उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। चलिए आगे की प्लानिंग बताइए, आगे इन फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इस तरह के अभी प्रोग्राम को लेकर? मैं इतना कहूंगा कि अभी ये साल मेरे जो कुछ इवेंट्स थे कोरोना की वजह से जो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो मैं जा नहीं पाया, वो मेरे अभी इनकमिंग ये 2021 के लिए मैंने बुक किया। जैसे यूएसए का ट्रिप है, लेक टाहो का ट्रिप है, लेक टाहो मुझे तैरने जाना है, उसके साथ ही और एक दो स्विम्स जो प्लान किए हैं, जो ओशन 7 जो है मेरा, जो बाकी है लास्ट ओशन बाकी है वो मुझे कंप्लीट करना है। कंप्लीट होएगा, एक अलग ही रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया का नाम अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मैं रखने की चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड के लिए अप्लाई तो किया है, अभी देखते हैं कुछ जनवरी 26 को उनका वो सेरेमनी होता है, उनका वो सेरेमनी होता है, सो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है। तो क्या 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 हाँ, हम लोग ने तो हम लोग का जो काम था सबमिट करना इन स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो हम लोग ने कर दिया है। अभी उनका स्क्रूटिनी होगा पहले स्टेट गवर्नमेंट में विद द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ बैठ के उनका मीटिंग होगा एंड देन दे विल डिसाइड कि ये फाइल आगे भेजनी है टू द दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं, इज इट एलिजिबल टू सेंड, अगर रहेगा तो फिर वो लोग भेज देंगे, अगर कुछ उनमें प्रॉब्लम्स रहेंगे तो फिर अगर वो प्रॉब्लम्स हम सुधार सकते तो सुधारेंगे, ना तो फिर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभी ओपन वाटर स्विमिंग के लिए हमने मुंबई में तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ओशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम लोग ने बहुत सी जगह पे एक्सप्लोर किया, जैसे साउथ में अपना अलीबाग साइड हो वहाँ पे एक्सप्लोर किया, वैसे ही हम लोग ने नैनीताल गए थे, हम लोग ने नैनीताल पिछले 3-4 साल से हम उधर जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और वो आइडल था हमारे ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोग उधर भी जाके ट्रेनिंग करते हैं। इनफैक्ट अभी इधर करना है तो हम लोग स्विमिंग पूल के लिए हम लोग को बहुत फाइट करना पड़ता है, क्योंकि कोई देता नहीं है, मतलब मोस्टली तो एक रामशेटा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके है उल्वे में, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने हमें लिटरली फ्री हैंड दिया था कि कभी भी आप आओ और स्विमिंग करके जाओ। ऐसी एक दो स्विमिंग जैसे अपना एनजीओ मुदादर का है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बट हाँ ओपन वाटर स्विमिंग के लिए मैं मुंबई में तो कोई चांस ही नहीं है अपने, इधर का पानी थोड़ा इतना पोल्यूटेड है, तो मुंबई के आजू बाजू कोई चांस नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आप लोगों को कोई ऐसा मंथली पेंशन या कुछ इस तरह का दिया जा रहा है नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट से फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, बट इन फ्यूचर होप सो होगा अवार्ड्स सब कुछ।